उतरी है रब की रहमत रमजान के दिनों में। देखो खुली है जन्नत, देखो खुली है जन्नत रमजान के दिनों में। जी जनाब, ये रमजान के मौके पर जो तरबूज आप लोग लेकर आ रहे हैं, कितना महंगा हुआ, कितनी मुश्किलात हो रही है आपको? अस्सलाम वालेकुम। ये रमजान अल मुबारक के मौके पर हम जो ला रहे हैं तरबूज, ये हमें काफ़ी मुश्किलात हो रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा महंगाई बढ़ गई है। इसके वजह से हमको खुद तरबूज ज़्यादा महंगा मिल रहा है, मिलने की वजह से हम भी ग्राहक को जो है सो महंगा बेचना पड़ रहा है। पहले कितने में मिलता था आपको, अब कितने में मिल रहा है? पहले हमारे को तरबूज जो है सो हमारे को बहुत कम में मिलता था, 20 रुपये 25 रुपये मिलता था। अभी जो है सो 40 रुपये 30 रुपये में मिल रहा हम लोग को तरबूज। और एक कहा जाता है कि तरबूज में कुछ ऐसा केमिकल डाल रहे हैं, 2-4 दिन में वो तैयार हो जा रहे हैं। नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, वो सब जो है सो फजूल बातें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कुदरती चीज़ है ये, हम जो मंगाते हैं डायरेक्ट मल्ले से माल मंगाते हैं, ये खेत से जो होता है इसकी बेल होती है, ये तरबूज की बेल होती है, ये बेल के डायरेक्ट सप्लायर इधर लाके हम लोग को सप्लाई करते हैं। इधर तरबूज के नाम बताइए आप। ये जो तरबूज के नाम है, ये किरण तरबूज बोलते हैं इसको। इसको ये फूल अंदर रेड कलर का रहता है, लाल ऊपर पूरा ग्रीन रहता है, इसको बोलते हैं किरण तरबूज। उजाला हर तरफ रौनकें हैं मस्जिदों में, नूर फैला हर तरफ तेरी सुबह से जहां में है उजाला हर तरफ। जी बताइए, इसके नाम बताइए। जी, ये वाला जो है दुल्हन सेट निजाम शाही बोलते हैं इसको, इसको मेटल का जम्बू सेट बोलते हैं, इसको लाख का जम्बू सेट बोलते हैं, इसको कंगन जोड़ा बोलते हैं। आपके पास कम से कम कीमत में और ज्यादा से ज्यादा कीमत में कितने में? हमारे पास कम से कम लेके आपको 400 रुपए से लेके आपको 2000 रुपए तक आइटम है हमारे पास। पहले में और अब में कितना फर्क आया है? पहले में अब में बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। पहले जो ग्राहक होता था उतना नहीं है, अभी 15-20 रमजान के बाद में अपने यहाँ पर ग्राहक चालू हो जाता है, अभी तो ग्राहक नहीं है, अभी 15-20 दिन के बाद में चालू होता था। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़िर, अब आपके लिए चलते हैं मीना गार्डन में, जो यहाँ पर काफ़ी स्टॉल्स लगे हुए हैं और पाकिस्तान से सूट्स लेकर आए हैं। आइए कुछ मालूम करते हैं। जी साहब, आप कहाँ से आए हुए हैं, क्या क्या वैराइटीज़ लेकर आए? मैं शकील, मैं दिल्ली से आया हूँ, शकील नाम है मेरा। जी, क्या क्या वैराइटीज़ लेकर आए आप दिल्ली से? भाई हमारे पास हैंडवर्क सूट्स हैं, कराची वर्क के अंदर टोटली हैंडवर्क आता है, और आपका लाहौरी टोटल प्रिंट आता है। मेरे पास दोनों चीज़ें हैं, लाहौर के भी प्रिंट्स हैं और कराची की एम्ब्रॉयडरी है टोटली हैंडवर्क, और तोला वर्क के सूट है जो चांदी का काम होता है ना, उसमें सूट भी हैं और साड़ियाँ भी हैं। और रुझू किस तरफ ज़्यादा है? भाई आवाम का रुझू तो अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अगर होल सेल बात करूँ कारोबार की, मैं अल्हम्दुलिल्लाह 5 साल से आ रहा हूँ, ये सारी ऑन डिमांड आइटम है, मैं कोई फालतू चीज़ लेकर ही नहीं आया अल्हम्दुलिल्लाह। जितनी भी चीज़ें हैं सब कस्टमर डिमांड है। कुर्ती प्लाजो इस साल रेडीमेड बहुत चल रहे हैं, बहुत चल रहे हैं, सिले हुए जो सूट हैं उन पर ज़्यादा हद चल रहा है, बशर्ते के बिना सिले हुए सूटों पर। मुझे ऐसा लग रहा है कोई जो यहाँ के टेलर्स हैं, या तो उन्होंने रेट बढ़ा दिए हैं या फिर उन लोगों के पास फुर्सत नहीं है सीने की, इसलिए सिला हुआ सूट ज़्यादा चल रहे हैं मेरे पास। आपके पास कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा कितनी कीमत की है? भाई अगर कम से कम कीमत की बात करूँ तो 500 रुपये, और प्लाजो की बात करूँ तो 200 रुपये का भी प्लाजो है, सबसे कम कीमत तो 200 रुपये हो गई। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप बात करेंगे, मेरे पास साड़ी है 20,000 रुपये तक की साड़ी है मेरे पास, अलहमदिल्ला चांदी का काम, प्योर चांदी है ना कि पीतल है। क्या बता सकते हो काम की साड़ी? और बड़ी मेहनत से कई कई महीनों में तैयार होती हैं ये साड़ियाँ, हम तो नहीं तैयार करते, बहुत गरीब लोग जो हैं वो लोग तैयार करते हैं, पूरा पूरा खानदान लगता है तब ये साड़ियाँ तैयार होती हैं मेरे भाई। शुक्रिया। चलिए काम की जनाब, बिल्कुल सारी आवाम के लिए मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम, रमजान मुबारक, और ख़ास तौर से एडवांस में ईद मुबारक। आपके हैदराबाद के आवाम कितना एक्सपोज है? भाई हम यहाँ साल में 2 बार आते हैं, नामपल्ली की एग्जीबिशन में भी आते हैं, जहाँ पर शटर वाली शॉप होती है ओनली, हमारी खसूसियत है
कि वहाँ पर लोग हमें याद करते हुए आते हैं। यहाँ पर तो ये असलम भाई और नासिर भाई की मेहरबानी है, उनकी मोहब्बत खींच के लेकर आती है, हम ज़रूर आते हैं यहाँ पर, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह आ रहे हैं, उनकी मोहब्बत खींच के ला रही है और यहाँ की जो हवा है हमें पसंद करती है। साल भर हमारे टच में रहते हैं ये लोग, साल भर हमारे दिल्ली में जो शॉप है हमारी जमजम क्रिएशन, और एक और शॉप है हमारी दूसरे नाम से नवरत्न साड़ी के नाम से, आपका चांदनी चौक के अंदर, तो वहाँ यहाँ के जितने भी होलसेलर और रिटेलर हैं पहुँचते हैं शादी के एतबार से, इस मतलब 12 महीने का कारोबार चलता है यहाँ से, समझ लें। सिर्फ एग्जीबिशन के लिए ही काम करता जी मेरा, तो मेरी जो जिम्मेदारी है मेरे भाइयों के साथ, जो हमारे बड़े हैं, सारे भाइयों की अलग अलग जिम्मेदारी, मेरी जिम्मेदारी सिर्फ एग्जीबिशन की है, मैं पूरे हिंदुस्तान में एग्जीबिशन करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। कितने साल से फिर थे भाई? मुझे हो गया 14 साल इस लाइन के अंदर, एग्जीबिशन की लाइन में, वैसे और जिम्मेदारियाँ हैं उसके अलावा, बाकी सबसे दुआओं की दरख्वास्त है और रमजान मुबारक सब। शुक्रिया। नाज़रीन आइए, यूनिक स्टोन से कुछ तैयार किया गया हुआ है, ये स्पेशल पाकिस्तान से मंगाया गया है और यहाँ के जो कारोबार आदमी जो दिल्ली से लेकर आए हैं कलेक्ट करके, आइए उनसे कुछ मालूम करते हैं। ये यूनिक स्टोन है जी, यूनिक स्टोन ये बलूचिस्तान में इसका माइंस है, वहाँ से जो है ना कराची में इसका फैक्ट्री है, कराची में ये सब तैयार होता है, वहाँ से जो है सब बन के वहाँ से आता है। यहाँ करीब तकरीबन 20 साल से यूनिक आ रहा है यहाँ इंडिया में, यहाँ तकरीबन जो है हर जगह दिल्ली बम्बई कलकत्ता ये सब हर जगह सप्लाई है इनका, बहुत अच्छा रिस्पांस है इनका, जो है नेचुरलिटी है, कुदरती कलर ये सब जो है एनिमल्स जानवर जो है बने हुए हैं, फ्लावर बाज फ्लेयर स्टेन चेस और हर एक तरह का बहुत ऐसा आइटम ऐसे बने हुए हैं। एंटीकटीज ये है कि जो मतलब कुदरती कलर है इसका, नेचुरलिटी है, कुदरती कलर ऐसा है कि ख़राब नहीं होता, ये जो है जैसे आर्टिफिशियल होता आर्टिफिशियल नहीं, इसका कलर ऐसा ही रहेगा, ये लॉन्ग लाइफ है, ये सब हर साल तकरीबन आता है इंडिया में, हर साल ये सप्लाई यहाँ पे चल रहा है, ओनिस का बहुत डिमांड है यहाँ पे इंडिया में। सर हैदराबाद में आप पहली बार आए हैं, किससे पहले भी निकल आए? जी सर इससे पहले एक आध बार आ चुके हैं और दूसरा बार मैं इधर आया हूँ ये सामान लेकर के, और ये सब जो ज़्यादा करके दिल्ली और कलकत्ता बम्बई ये सब लेके जाते हैं, अभी जो है मतलब दूसरा चांस इधर आया हूँ लेकर के जी। सर आपके पास छोटा सा छोटा आइटम कितनी कीमत की है और बड़ा से बड़ा आइटम कितनी कीमत? जी सर ये जो है से इसका जो है ना कॉस्ट कम से कम रिजनेबल रेट जो है 50 रुपीज़ से ले करके 3 लाख का जोड़ी तक का इसका जो है फ्लावर वाज बड़े बड़े जो है 3 लाख का जोड़ी है, लाइन का जो है 1,20,000 का जोड़ी है इसमें जो है, और से मतलब बीच का जो है ना कॉस्ट है मतलब सर ज़्यादा से ज़्यादा 3 लाख का जोड़ी है और 50 रुपीज़ से जो है ना स्टार्टिंग है। शुक्रिया।